मेरे दोस्तों, आई एम आर के खन्ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ हिंदी मूवी गैंग्स ऑफ गुड़गांव। हमारी फिल्म की कंटिन्यू शूटिंग चल रही है और फिल्म कदम दर कदम अभी अपने लास्ट मंजिल तक पहुंच गई है। दो चार दिन का पैचवर्क बचा हुआ है, ये कंप्लीट हो जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो इसी 2021 में ये आप लोगों के सामने होगी, आप इसे देख सकेंगे। देखिए, गैंग्स ऑफ गुड़गांव मेरे ख्याल से गैंग्स ऑफ वासेप और गैंग्स ऑफ गुड़गांव टाइटल से अपने आप में क्लियर है कि ये एक क्राइम बेस्ड कहानी है और गैंग वार क्राइम बेस्ड। देखिए, मोस्टली क्या है कि जो गैंग पे या क्राइम पे फिल्में बनती हैं उसमें ज़्यादातर या तो बॉम्बे में होने वाला क्राइम, बिहार में होने वाला क्राइम, इस तरह के क्राइम्स मोस्टली दिखाए जाते हैं। बट हरियाणा में होने वाला क्राइम अक्सर फिल्मों से अवॉइड रहा है, दूर रहा है। हमने कोशिश की है कि हरियाणा में, ख़ास तौर से गुड़गांव में, गुड़गांव आज की डेट में दिल्ली के बहुत नज़दीक बसा हुआ हरियाणा का सबसे एस्टेब्लिश, सबसे महंगा शहर है, वहाँ भी बहुत सी आपराधिक घटनाएँ लगातार होती रहती हैं, बहुत से गैंग वहाँ बने हुए हैं। उनकी कुछ अंदरूनी कहानियों को, घटनाओं को दर्शाने के इरादे से ये स्क्रिप्ट बनाई और वो बस अब आपके सामने है। बहुत जल्द नहीं, दिस इज नॉट ए ट्रू स्टोरी, काल्पनिक कहानी है, ट्रू स्टोरी नहीं है। नहीं, कोई बेस नहीं। आर्टिस्ट में हीरो हीरोइन दोनों हमने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। हीरो का नाम है सौरभ खन्ना और हीरोइन है स्वप्निल डिक्का। बाकी गुलशन पांडे जी हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, विक्रम गोखले जी हैं और भी कई लोग हैं। अच्छा सर, अगर फिल्म की बात करें और गाने की बात करें तो उसमें कितने गाने हैं? 5 गाने हैं इसमें। म्यूजिक डायरेक्टर हैं सावन कुमार सावन, प्रेम हंस जी ने गाने लिखे हैं, 5 गाने हैं। सर, किस टाइप के गाने हैं? किस टाइप के, जैसी कहानी है कहानी के अनुसार आइटम सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी हैं। तो कहानी के डिमांड के अनुसार जो कहानी को भी साथ में लेके चले उस तरह के सब सॉन्ग्स कहानी में। सर, कब तक प्लेटफॉर्म पे लाने की तैयारी है आपकी? देखिए, प्लान तो एक्चुअली में ये अब तक, अगर बीच में कोरोना देवता नहीं पधारे होते तो ये अब तक आप लोगों के सामने आ गई होती। बट उन्होंने मेरे क्या पूरी दुनिया के सब प्लान चौपट कर दिए, आगे पीछे कर दिए। अब जिस तरह से चल रही हैं तैयारियां, मुझे ऐसा लगता है कि मई जून तक, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई तक ये आप लोगों के सामने आनी चाहिए। क्रोमा सीन भी हैं कुछ और ऊपर पुलिस स्टेशन का भी एक सेट है, अभी आप जब जाएंगे तो सब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सीन हैं। गुलशन पांडे जी इसमें पुलिस कमिश्नर का रोल कर रहे हैं, उनके हैं। मिथिलेश चतुर्वेदी जी एक नेता का रोल कर रहे हैं, मिनिस्टर का, उनका सीन है। तो आप इसको एक, अगर मैं बहुत शॉर्टकट में कहूँ तो पूर्ण रूप से एक ये बॉलीवुड फिल्म जिस तरह की होती है, सिंघम कहें दबंग कहें, उसी तरह की एक फिल्म ये हरियाणवी बैकग्राउंड पे हम लोग बना रहे हैं। तो लैंग्वेज भी उसका टॉप पर। देखिए, लैंग्वेज तो क्या होता है, जब सुल्तान बनी या सुल्तान के अलावा भी कोई भी फिल्म जिस बैकग्राउंड पे बनती है वो लैंग्वेज का हल्का हल्का पुट तो उसमें रहता ही है, उसके बगैर तो बनेगा नहीं। शूटिंग कहाँ कहाँ हुई अब तक? शूटिंग इसकी बॉम्बे में हुई है, गुड़गांव में हुई, दिल्ली में हुई, हरियाणा में हुई। आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा भाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी यूनिट, और सबकी मेहनत तभी सफल होती है जब दर्शक फिल्म को पसंद करें। हम चाहेंगे आप लोग इस फिल्म को देखें, लोगों का उत्साह बढ़ाएं, आपको भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए, आगे आपके लिए फिर से फिल्म बनाएं। आखिर में क्या कहें चाहेंगे सर लोगों से जो आज लॉकडाउन में शूटिंग कर रहे हैं? लॉकडाउन में शूटिंग कर रहे हैं, देखिए जीवन में काम किए बगैर तो गुजारा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अभी आपके बात होने से पहले, थोड़ी देर पहले ये मास्क लगा हुआ था, अब क्योंकि कैमरा के सामने आपसे बात करनी पड़ रही है इसलिए ये मास्क हटाया है। तो जो भी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जो भी होना चाहिए उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये शूट हो रहा है, और मिनिमम जितने लोगों को जिनकी ज़रूरत थी उन्हीं को बुला के शूटिंग हो रही है। बस कल ये हमारा शेड्यूल कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, हेलो, माय नेम इज़ सौरभ खन्ना और इस मूवी गैंग्स ऑफ गुड़गांव में मैं मेन लीड कर रहा हूँ। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है फ़र्स्ट टाइम और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर खरा उतरूँ और आप लोगों को पसंद आऊँ। जिस तरह का वर्दी दिख रही है पुलिस वाले, क्या सिंघम दगम से कुछ
जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए इंस्पिरेशन तो ये सब रोल मॉडल हैं क्योंकि काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं जैसे सिंघम हो गए, अजय देवगन सर, सलमान खान सर दबंग में, तो उनसे ही कुछ कुछ चीज़ें सीखकर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ। मैं कंपेयर तो नहीं कर पाऊँगा स्टेज पे, लेकिन अपना 100% देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। पहली फिल्म एक्शन से भरपूर देखिए मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ कि मतलब मुझे ये काम करने का मौका मिला। और रही बात एक्शन की, तो हाँ एक्शन तो इसमें है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब ये करके, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है काफ़ी लोगों से जो मेरे सीनियर एक्टर्स हैं इसमें, जैसे विक्रम गोखले जी हैं, पर गुलशन पांडे जी हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, इन सब से सीख के कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कर सकूँ बस। हाँ मेरा जो कैरेक्टर है वो टोटली पॉजिटिव कैरेक्टर है। कितना कुछ एक्शन मारता किए हो में? देखिए अभी तो मैं लास्ट डे शूटिंग का है। हाँ ये जो है लगभग एंड है, पैचवर्क बचा है, तो एक्शन सीक्वेंस जो हमारे हुए हैं वो मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, तीनों जगह हुए हैं, तो अच्छा खासा आपको इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। जी रोमांस तो मत उतना नहीं है, लेकिन है बस दिखेगा आपको रोमांस, क्योंकि ये गैंग्स ऑफ गुड़गांव टोटली गैंग वॉर के ऊपर और गैंग और जैसे गुंडागिरी और पुलिस के बीच में है, तो इसमें उतना रोमांस नहीं है, लेकिन फिर भी है एक, क्योंकि जिस पे जो लीड है राइट, जो मेरी लवर है इसमें, तो उसके साथ जो मेरे सीन है उसमें रोमांस मिलेगा आपको देखने के लिए। बॉलीवुड में आने का कीड़ा कब से काटा, कैसे काटा? सर बॉलीवुड में आने का कीड़ा तो खैर आप बोल सकते हैं बचपन से ही था, क्योंकि जब मैं 2 से या 2-3 साल का या 4 साल का होऊंगा तब से ही मेरे को ये इंटरेस्ट है। जब मैं स्कूल में था तो स्टेज शोज लाइक फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ड्रामा, ये सब बचपन से ही चलता आ रहा है, और बचपन से यही तय कर लिया था कि बनना है तो इसी लाइन में कुछ बनना है। किसी हीरो एक्टर को देख के ऐसा बनना चाहिए? देखिए ऐसे मेरे आइडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं खुद एक सौरभ खन्ना नाम इंडस्ट्री को दे सकूँ बस। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमने बहुत मेहनत की है इस मूवी में, और बस आपसे यही उम्मीद है कि इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, आप देखिए, और बस यही है। जी ये जो फेस है पैंडमिक का, इसकी वजह से जो है अभी 1 साल बाद शूटिंग वापस स्टार्ट हुई है, और मैंने भी अभी अभी ये मास्क जो है इंटरव्यू के समय निकाल के रखा हुआ था, नहीं तो मास्क तो पहनना ही पड़ता है, और जितने लिमिटेड लोग यहाँ पर जिनकी ज़रूरत है वही लोग आए हैं, उन्हीं को बुलाया है डायरेक्टर सर ने जिनका सीन लेना है, जिनकी ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, और जो भी प्रिकॉशंस हैं हमारे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, उन सबका ख्याल रखते हुए, सबका इस्तेमाल करते हुए शूटिंग हो रही है, और सभी अपनी 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 सेफ्टी जो है वो कायम रख रहे हैं। देखिए जो फिल्म है गैंग्स ऑफ गुड़गांव, नाम से तो ये क्रिमिनल फिल्म लगती है, मगर अगर वास्तव में देखा जाए तो ये फिल्म एक व्यवस्था पर चोट करने वाली फिल्म है। हमारी व्यवस्था किस तरह की सड़ी गली हो गई है, जहाँ पर कि एक राजनीतिज्ञ सब पर हावी होता है, या होता है या होने की कोशिश करता है, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होता है। तो ये फिल्म इसी व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज़, अभी कमज़ोर आवाज़ है या मजबूत आवाज़ है ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक आवाज़ है। मेरा किरदार ऐसा है कि मैं व्यवस्था का एक अंग हूँ, एक MLA का कैरेक्टर है मेरा, और एक राजनीतिज्ञ किस तरह से व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के अपने हित में करना चाहते हैं, किस तरह से वोटों के लालच में अपराधियों का बचाव करते हैं,
उस तरह के एक भ्रष्ट एमएलए का करेक्टर है मेरा। सौरभ जी के बारे में, न्यू कमर सौरभ जी, न्यू कमर है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? सौरभ खन्ना जी जो एक्टर है, उनके बारे में अच्छे कलाकार हैं और प्रयास भी अच्छा कर रहे हैं, मैं उनके उन्नत भविष्य की कामना करता हूँ। और आगे खन्ना जी निर्देशक डायरेक्टर? डायरेक्टर जो होता है वो शिप ऑफ द कैप्टन कहलाता है, और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारा शिप ऑफ द कैप्टन अच्छा है, उसको समझ है इस बात की कि उसे क्या और किस तरह से शूट करना है। आज की बात पे शूटिंग क्या कुछ हो रहा सर, क्या सीन है सर आज का? आज मेरा सीन ऐसा है कि मैं मतलब एमएलए पुलिस स्टेशन पे जाता है और जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको अपने रॉब में लेने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसके खिलाफ उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी होम मिनिस्ट्री से निकलवा के लाया है, लेकिन इंस्पेक्टर जो कि एक ईमानदार इंस्पेक्टर है उसके ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता, और वो एक तरह से अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो उसको एमएलए को लतिया के निकाल देता है, बेइज्जत करता है। आखिर में क्या संदेश देंगे लोगों को सर, पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? सिर्फ इतने कहूँगा कि अक्सर रेलवे लाइनों के पास एक बोर्ड लिखा होता है, सावधानी हटी सुरक्षा घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये आप पर अटैक कर सकता है, और अगर आप सावधान हैं, केयरफुल हैं, तो फिर आपको उससे डरने की क्या ज़रूरत है। मुझे कुछ बात करनी है तो मैं ये मास्क निकाल रहा हूँ। जी बोलिए। फिल्म गैंग्स ऑफ गुड़गांव के बारे किस तरह का किरदार है आपका, क्या कहना है? मैं इस फिल्म में एक बिल्डर की भूमिका निभा रहा हूँ, बिल्डर खुराना है, मेरी बिल्डिंग बनती है, और जैसा आजकल जो चल रहा है कि भाई लोग और ये वो हफ्ता वसूली करते हैं बिल्डरों से, ये करते हैं, मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है, और जो भी होगा वो फिर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है। बस मेरी ये है कि मैं एक बिल्डर की भूमिका निभा रहा हूँ उसमें। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। एक्चुअली मैं धर्म जी का लुक नहीं है इसमें, मैं अपना ही कर रहा हूँ, और मैं 2-in-1 हूँ वैसे, हाँ धर्म जी का भी करता हूँ और मैं अपना भी करता हूँ। हाँ मैं तो वैसे एक्टर बनने के लिए आया था, तो हमारे एक मित्र हैं किशोर भानुशाली, लुक लाइक देवानंद, तो उन्होंने मुझे फिर धर्मेंद्र की उपाधि दी है। हाँ तो बोले कि मैं तो इतना लगता नहीं हूँ और तुम तो डिक्टो धर्म जी लगते हो और तुम ये शुरू हो जाओ हो, तो मेड इन पंजाब का जब ठप्पा लग गया तो धन धड़ाधड़ बिकने लग गया। मैं तो ये सोच रहा था कि ये प्लेन ये जाते हैं कैसे, जाते हैं कैसे, बैठते होंगे इसमें, मुझे पहले कुछ नहीं मालूम था, जब मेड इन पंजाब का ठप्पा लग गया तो प्लेन में भी और ये वो सोच वगैरह बहुत किए फिर मैंने। अच्छा बात डायरेक्टर की और एक्टर की, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? किसके? डायरेक्टर सर खन्ना साहब, उनके साथ क्या कहेंगे? एक्चुअली में खन्ना जी मेरे आज के नहीं बहुत पुराने दोस्त हैं, जब हमारा ये समझ लो कि जब मैं स्ट्रगल करने के लिए आया था तब से खन्ना जी को जानता हूँ, और इनकी हर फिल्म में मैं रहा हूँ। पहली फिल्म थी इनकी मेरे नाना सावन भादो, उसमें मैं सेकेंड हीरो था, और फिर प्रतिघात कई फिल्में बनाई और हर फिल्म में मैं हूँ। सौरभ बहुत ही होनहार लड़का है और बहुत अच्छा एक्टर है, और इसने अपने किरदार को बड़ी बखूबी निभा रहा है ये, और मेरी तो यही दुआ है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी जाए और ये भी अपनी इंडस्ट्री में एक जगह बना ले सौरभ खन्ना। गुड़गांव के लिए
मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब की जान है धर्मेंद्र, फिल्म इंडस्ट्री की शान है धर्मेंद्र, उम्र हो गई हो बेशक 85 वर्ष, फिर भी आज सबसे जवान है धर्मेंद्र, उनका हम शक्ल होना मेरी है खुश नसीबी, सचमुच में मेरे तो भगवान है धर्मेंद्र। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वैसे और होली आने वाली है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, होली आपके जीवन में रंग भर दे और कोरोना जैसी ये जो महामारी जिसे हम सब झेल रहे हैं इसे जल्दी से जल्दी निजात मिल जाए पूरी दुनिया को, मेरी शुभकामनाएं। तो पुलिस क्या करूं, ये गेटअप कुछ ऐसा है, आप इंडस्ट्री में कोई उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहता, जैसा मिल जाए प्रोडक्ट वैसे ही लॉन्च कर देते हैं, तो पुलिस दिखता है मेरे शक्ल पे इसलिए शायद मुझे बार बार मिलता है, लेकिन मैं इसको बुरा भी नहीं समझता हूं क्योंकि मैं इस काम से प्यार करता हूं, मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसी काम के लिए बनी है मुझे ऐसा लगता है, तो फिर उसी काम से अगर मेरा घर चल रहा है तो इसके लिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं पुलिस ही करता हूं ज़्यादातर। लेकिन आजकल मैं बालाजी का एक शो कर रहा हूं जिसमें मैं हीरोइन का फादर हूं, वो एक बहुत ही इमोशनल फादर का रोल है, तो उसका एक अलग आनंद मिल रहा है मुझे। जी हाँ, मैं इस गैंग्स ऑफ गुड़गांव में मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ, अगेन पुलिस, और बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी यूनिट है, बहुत अच्छे लोग, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं मेरे साथ, परीक्षित सानी जी थे, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, सौरभ खन्ना हमारे जो लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म से हीरो, इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएँ करता हूँ, और आप सबसे आग्रह है, बहुत अच्छी स्टोरी है, वही है तो गैंग पे ही, तो देखिए ज़रूर, बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है। लैंग्वेज वैसे गुड़गांव वाली हम लोगों ने नहीं यूज़ की, मैंने तो प्योर हिंदी ही यूज़ की है ज़्यादातर, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने वो लिया है एक्सेप्ट। नहीं, ये सब बड़े इंटेलिजेंट है, मैंने देखा ये सब अपने काम को अच्छे से समझ के, आज का यूथ जो है ना सर वो बहुत कुछ सीख रहा है अपने आप ही, हमारे कुछ YouTube पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, कुछ भी सीखना चाहो घर बैठे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है सबको, बड़ी अच्छी बात, मेरी बहुत शुभकामनाएं है सब। मैं अभी आया हूँ सेट पे सर, मुझे सीन पता ही नहीं क्या है, और कुछ पैच वर्क शायद बचा हुआ है वो करने वाले हैं, मेरा तो मुझे लग रहा था ऑलमोस्ट काम हो चुका था इस पर। बस मैं संदेश पहले दे चुका हूँ, बस मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी तरीके से ये कोरोना ख़त्म हो जाए, हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी दुनिया इससे मुक्त हो जाए, ईश्वर ऐसी कृपा करो हम सब पर और सब खुशहाल हों, और मेरी तो शुभकामनाएं होली के लिए एक बार फिर से देता हूँ आप सबको, हैप्पी होली। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।